हाय एवरीवन, आपका मेरे उषा ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आपको फुगी मतलब हैंड से सिखाऊंगी। आपको पफ हैंड बोलते हैं। इसमें एक मॉडल है, मैंने 5 इंच रेडी लिया है, 1 इंच ज़्यादा लेंथ लिया है और विड्थ है 7.5 और 2 इंच मार्जिन। अब मैं देखो, ऊपर से 2.5 का निशान लगा रही हूँ, नीचे से भी 2.5 का एक बॉक्स बनाएंगे। अपने को 3.5 चाहिए तो 3.5, नहीं तो 2.5 या 3 इंच। मैं आपको पहले 2.5 का बॉक्स बना के दिखाती हूँ, पर मैं 3.5 लूँगी लेंथ। 3.5 में अच्छी आती है पफ हैंड्स। ड्रेस जो है, ड्रेस का टॉप से तो हैंड बनेगा और जो यहाँ पे जो पफ लगेगा वो जो शलवार का कपड़ा होता है उसका मैचिंग का लगाना है। देखिए, अब मैं 3.5 दिखा रही हूँ आपको। मैं 3.5 पे लूँगी, 2.5 पे ले सकते हैं, 3 पे ले सकते हैं, 3.5 वहाँ तक हम ले सकते हैं। तो मैं दोबारा आपको 3.5 पे दिखा रही हूँ। अब इसको हम गले का शेप देते, जैसे गले का शेप देते हैं ना, वैसे ही राउंड में शेप देंगे, उसके बाद कट कर देंगे। मैंने हैंड की लेंथ ली है 5 इंच रेडी, 1 इंच मार्जिन, 6 इंचेस, और ये 40 साइज का है हैंड। मिडिल विड्थ है 7.5 और 2 इंच मार्जिन, और एंडिंग विथ है 6.5। आप जैसे चाहिए आप बना सकते हैं आपके मेजरमेंट के हिसाब से। अब मैं इस पेपर को क्लाथ पे रखूँगी। ये है सूट का क्लाथ, ऊपर टॉप का मैंने डबल में लिया है और मार्किंग करके उसको मैं कट कर दूँगी। बिल्कुल एज स्टिच पेपर बिल्कुल सही है, उसी के हिसाब से हम कट कर देंगे। पेपर से ही हम लोग ऐसे जो भी डिजाइनर हैंड से पेपर पहले कट करके बनाने से बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब मैं ऊपर वाले पार्ट के लिए मैं क्लाथ ले रही हूँ। देखिए, ये पूरा लेना है अपने को, और यहाँ से राउंड में मैंने क्लाथ लिया है ऊपर वाले के लिए। लाइनिंग मतलब लाइनिंग है, पहले मैंने ओरिजिनल क्लाथ लिया फिर लाइनिंग लिया, दोनों को कट कर दिया। कट करने के बाद मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। अंदर का लाइनिंग क्लॉथ है ये, पहले लाइनिंग भी कट कर सकते हैं, कोई नहीं, कैसे भी पेपर है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। अब मैं फिर लाइनिंग बिछा रही हूँ, सॉरी ओरिजिनल का, अब इसके ऊपर रख के इसको कट कर रही हूँ। पहले मैंने ओरिजिनल का बिछाया था पर मैंने कट नहीं किया आपको दिखाने के लिए। अब मैं इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, बाद में स्टिचिंग होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर सकते हैं। पहले बराबर कट करेंगे तो थोड़ा झोल आने की संभावना है, इसलिए क्लाथ थोड़ा एम्ब्रॉयडरी है पूरा। देखिए, दोनों कट के रेडी है। अब मैं इसको सिल के दिखाऊंगी। अब नीचे के क्लाथ के लिए हम जो राउंड दिया है उससे डबल लेना है। राउंड जैसे आया था 15, तो 30 इंच लेना है अपने को नीचे वाला क्लाथ, शलवार का जो भी क्लाथ हो, और 5 इंच लेंथ, लेंथ 5 इंच और 30 इंच विड्थ, 15 इंच वो राउंड आया ना अपने से, उसका डबल लीजिए 30। स्ट्रेट में हम कट कर देंगे उसको ऐसे, दो पीस कट करना है दोनों हैंड के लिए। कटिंग हो चुकी है, ये एक हैंड के लिए है, ऐसे ही एक दूसरा कपड़ा भी आप उसमें है डबल, दो कट कर दीजिए। अब देखिए कैसे लगाएंगे हम फ्रिल, ऊपर से छोटे छोटे फ्रिल दबाते हुए लगाना है। उसके बाद अपोजिट साइड में नेक्स्ट फ्रिल लगाएंगे हम। पहले जो राउंड है राइट, दोनों को राइट राइट का
क्वार्टर इंच का मार्जिन देते हुए राउंड को सिलेंगे, जिसमें हमें पफ बनानी है उसको सिला है मैंने। सिलने के बाद नीचे भी हम फिनिश कर लेंगे, हाफ इंच का मार्जिन देते हुए नीचे की लाइन भी हम सिल देंगे। अब इसको कट करके नॉचेस लगाकर कपड़े को बाहर निकालना है। नॉच लगाना ज़रूरी है, पूरा राउंड में है तो आपको फिनिशिंग नहीं आएगी नॉच नहीं लगाओगे तो। मैंने नॉच लगा के निकाल दिया और देखिए रेडी है नीचे का पार्ट। अब मैं ऊपर के पार्ट को रेडी करूँगी। काफ़ी सुंदर लगती है ये बाजू, शलवार वाले कमीज में, चूड़ी में, किसी में भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं फ्रिल लगा रही हूँ, आपको देखिए बंद वाला मेरी साइड है, ऐसे दबाते हुए फ्रिल को लगाना है। अब हम अपोजिट साइड में सिलेंगे। अपोजिट साइड में सिल रही हूँ मैं, नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से अपोजिट साइड में सिलना है। फ्रिल लग चुकी है, देखिए ऐसे आएगा आपको, एक इस तरफ है इसका डायरेक्शन और दूसरे का इस तरफ है। ये चीज़ ध्यान रखना, तभी आपकी बाजू होगी। अब इसके अंदर राउंड के अंदर सेट करना है इसको अपन। देखिए राउंड को अच्छी तरह पिन से सिक्योर करिए, मैं तो बना लेती हूँ, आप लोग पिन लगा के सिलिए। मेरी ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9606589845। मैं ऑनलाइन क्लास भी दे रही हूँ, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, इंस्टीट्यूट पे कोई नहीं आ रहा। आप सीखना चाहते हो तो मेरे से जुड़ सकते हो, बेसिक से डिजाइनर हर चीज़ सिखाऊंगी, किड स्वेट, ड्रेस, ब्लाउज, उसमें बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, बहुत पैटर्न आएंगे। आप सीख घर बैठ के, अभी ये टाइम है अपना बुरा टाइम, इसको आप उपयोग कीजिए। और ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो। पूरा सिल के रेडी हो चुका है, अब जो भी कपड़ा है अंदर से उसको हम कट कर देंगे। देखो कितनी अच्छी बाई है, कितना सुपर डिजाइन आया। नीचे शलवार का कपड़ा ऊपर फुग्गी में लगाया और टॉप का जो कपड़ा है वो हैंड में है। अब जो जो एक्स्ट्रा है हम उसको कट करके अंदर से किनोरी से सिल देंगे। अपोजिट साइड में लगाने से ही आपकी पफ अच्छी बैठेगी, नहीं तो पफ सही नहीं बैठेगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर दीजिए, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिया था वो कट कर दिया। दोनों बाजू बन के रेडी हो गई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। जो भी नए देख रहे हैं बेल बटन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन आएगा। मेरे सारे वीडियो को देखिए और घर बैठ के टेलरिंग का कोर्स करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।